हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, और आज के टाइम पे ना ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी एक फेवरेट चीज़ बन चुकी है। घर पे कुछ नहीं है तो मैगी बना लो, खा लो, बस हो गया काम। तो हर किसी को ना अपने तरीके से मैगी को बनाना और खाना पसंद है। किसी को वेजिस वाली पसंद है, किसी को मसालेदार पसंद है, किसी को चीज़ वाली पसंद है, मतलब हर किसी की अपनी रेसिपी है। तो वैसे ही मेरी भी अपनी एक रेसिपी है मैगी की, मैंने सोचा आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार मैगी। तो इसमें हम मैं डालने वाली हूँ प्याज, टमाटर और एक टुकड़ा जिंजर भी लिया है मैंने, अदरक जिसको बोलते हैं, और एक मुझे शिमला मिर्च भी पड़ी हुई मिल गई। चलो अभी करते हैं इन सबको कट। जब तक मैं चॉप कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना मैंने ये वाली कढ़ाई ली है, तो हम लोग चाइनीज़ इसी में बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑयल डालना है, उसके बीच में ना शिमला मिर्ची डाल के ना थोड़ी सी इसको स्टर फ्राई कर लो ऐसे, मतलब ना बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं इसको रखना, बस थोड़ा सा फ्राई करके इसको मैंने निकाल लेना है अभी। तो जैसे कि आप देख रहे हो फ्राई हो गया है, अभी मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में वापस। इसके बाद ना फिर थोड़ा सा ऑयल डालो, और ऑयल के बीच में सबसे पहले डालना है थोड़ा सा जीरा। जीरे के साथ डाल रही हूँ मैं ये अपना अदरक जो है वो ग्रेट किया हुआ वो। उसके बाद ना इसको थोड़ा सा फ्राई कर लो, और उसके बाद इसमें डालने हैं प्याज। प्याज को भी थोड़ा भून लो, थोड़ा सा मतलब जैसे पिंक गोल्डन कलर हो जाए ना वैसे भून लो आप थोड़ा सा। प्याज पक जाएगा ना तो उसके बीच में डालनी है टमाटर, तो 2 मिनट के लिए हिलाना है टमाटर डालने के बाद। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप डाल दो इसमें पानी, क्योंकि जब पानी की स्टीम से ये वैसे भी पक जाएंगे टमाटर, तो इसको मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं पकाया। तो अभी मैं डालूँगी पानी। पानी डालने के बाद ना मैंने जो मैगी के पैकेट में से मसाला निकलता है उसके पैकेट खोल के इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने ये तीनों पैकेट मसाले के डाल दिए हैं। अब ना मेरे पास डोमिनोज़ के, एक दिन मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो उसके साथ जो चिली फ्लिक्स और ऑर्गेनस आती है ना, तो उसकी वो एक दो पैकेट बच गए थे, तो मैंने सोचा वो मैगी में डाल लेते हैं, इससे थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। तो वो भी मैं डाल रही हूँ, एक पैकेट चिली फ्लिक्स का है, एक ऑर्गेनो का है। अगर आपके पास ऑर्गेनो चिली फ्लिक्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। और इसके बाद हम ऐड करेंगे, अब ऐड करूँगी मैं अब थोड़ा सा नमक, फिर रेड चिली पाउडर, फिर इसमें ना हल्दी ज़रूर डालती हूँ मैं। मुझे ना येलो मैगी अच्छी लगती है, फीकी फीकी सी मतलब डल कलर की मैगी अच्छी नहीं लगती। तो इसको ना अभी क्या करना है, ये सब डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद इसमें मैगी डाल दो। मैगी डाल के ना इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दो, मतलब सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक दो और ढक के छोड़ दो। तो अभी ढक के मैंने छोड़ दिया है, अभी ये थोड़ी स्टीम से पक जाएगी। उसके बाद ना इसको खोल लो, खोलने के बाद ना इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाना है मैगी को ताकि ये थोड़ी सेपरेट हो गए, नूडल एकदम पक जाए। तो इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, बाद में मैंने थोड़ा सा ऐड कर लिया था। देख सकते हो कितनी मज़ेदार एकदम मसालेदार मैगी बनी है। तो इसको कर रही हूँ मैं प्लेट में ट्रांसफ़र, और प्लेट में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें जो मैंने शिमला मिर्च पहले से ऐसे वो फ्राई करके रखी थी ना थोड़ी सी, इसके ऊपर मैं इसको डाल दूंगी शिमला। तो अभी मैं करने वाली हूँ इसको टेस्ट, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट वाइज ये मैगी बहुत यम्मी है यार, ट्राई करो आप ये मैगी, फिर मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।